केसीआर के जैसा, मोदी के जैसा गारंटी बोलकर देखकर उसको रुकाते नहीं। रुकाने के लिए उनके पास इतने प्रोग्राम है लेकिन वो अमल में नहीं आता। एक चुपड़ो, प्रधानमंत्री झूठा है क्या सच बोलता है? तेलंगाना इतना, इसकी आर्थिक परिस्थिति इतना खराब हो गया है, अगर मैं कहूं तो लोग ये समझेंगे कि भाई इतना अच्छा, इतना कर्जा हमारे ऊपर है, ये कैसा हुआ। तेलंगाना पहले ये सरप्लस स्टेट था, केसीआर से पहले लोग सभी बोलते थे कि तेलंगाना सब चीजों में आगे हैं, लेकिन लेकिन केसीआर ने इस तेलंगाना पे 5,60,000 रुपए कर्जा रख के गया है। और आप जितने भी बैठे हैं, हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हरेक के सर पे 1,40,000 रुपए कर्जा है। और कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी, तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट करके दिया, ये इसलिए दिया कि यहाँ के तेलंगाना के लोग सुख समृद्धि से भरे हुए हो। कांग्रेस पार्टी इंद्रम्मा राज लाएगी और हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारी मिनिस्ट्री, कांग्रेस की मिनिस्ट्री इंद्रम्मा राज लाएगी और आप सबको जो चाहते हैं वो गारंटी भी आपको दे देंगे। भाइयों, केसीआर और उनके लोग इंदिरा गांधी जी को गालियां देते हैं, राहुल गांधी को गालियां देते हैं, सोनिया गांधी जी को गालियां देते हैं और जिस थाली में वो खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आज की परिस्थिति हमको दिख रही है। इंदिरा गांधी ने गरीबी लाई, क्या किए ये कौन बोलते हैं? केसीआर। अरे भाई, इंदिरा गांधी ने 20-point प्रोग्राम लाकर इस देश में बैंक के दरवाजा इंदिरा गांधी ने खोला। जो बड़े बड़े जमींदार थे, लैंड रिफॉर्म्स लाकर 60,00,000 एकड़ जमीन अगर किसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। डैम बना, ये सच है ना? कांग्रेस के जमाने में नागार्जुन बना या केसीआर के जमाने में बना? अरे ये तो वो लोग वही जो खा रहे हैं नागार्जुन के राइस सब, कम से कम वो तो बोलिए क्या है वो अपना, नहीं 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 नहीं, केआरसी तो हमारे नहीं बोलेंगे और बीआरएस पार्टी भी नहीं बोलेगी, लेकिन आप तो बोलो नागार्जुन डैम किसने किया? कांग्रेस ने किया। इंदिरम्मा राज्यमलो कांग्रेस। आज लोग महंगाई से, इन्फ्लेशन से तरस रहे हैं। इस वक्त आटा, दाल, चावल, चीनी, पेट्रोल, डीजल सब महंगा हो गया। जो चीज हमारे सरकार में सस्ती थी, आज केसीआर और मोदी के जमाने में ये महंगी हो गई। और हमारे लोग इस महंगाई को मुकाबला करने के लिए जो चुनावी मैनिफेस्टो
हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जो रेवंत रेड्डी जी और कांग्रेस के पूरे नेता लोग मिलके उन्होंने एक चुनावी घोषणा पत्र की है, जिसमें 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को देंगे। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, महिलाओं को बस फ्री और ये सब। इसके अलावा हमारे जो भी किसान है, किसान को भी उन्होंने घोषणा दी रईत भरोसा, उसमें हर साल 15,000 रुपए पर एकड़, खेतीहर मजदूरों को 12,000 रुपए, प्याड़ी पर 500 रुपए क्विंटल बोनस, ये किसानों के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार है। टेनेंट फार्मर्स जो है उनको भी 15,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाए। और गृह ज्योति योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री। चौथा इंद्रामा इंदलो, यानी घर बनाने के लिए 5,00,000 रुपए हमारी गवर्नमेंट देगी। सीनियर सिटीजन्स जो जिनकी उम्र हो गई है, जो लोग कमजोर है, उनको, उन नागरिकों को 4,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। राजीव आरोग्य श्री, 10,00,000 तक स्वास्थ्य बीमा योजना करके देगी। युवा विकास, छात्रों को पढ़ाई के लिए 5,00,000 रुपए उनको मदद किया जाएगा। और हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल खोला जाएगा, ये हमारा वायदा है। हम केसीआर के जैसा, मोदी के जैसा गारंटी बोलकर देखकर उसको रुकाते नहीं। आप देखिए उन्होंने कितने भरोसा लोगों को दिया, अब सब बंद। शेड्यूल कास्ट के लोगों को स्कॉलरशिप देने का बंद, एससीपी अमाउंट दूसरे तरफ डाइवर्ट किए, और उसी तरीके से रईत बंधु का भी बंद हो गया था। चुनाव आया फिर चालू करे, ठीक है। हम सभी लोग ऐसे चीजों को कहेंगे कि ये कोई रैयत के लिए फायदेमंद है, लेकिन उन्हों चुनाव के दृष्टि से जो करते हैं उसका हम कंडम करते हैं। ये सिर्फ केवल दिखाने के लिए उनके पास बहुत ये है, दिखाने के लिए उनके पास इतने प्रोग्राम है, लेकिन वो अमल में नहीं आता। कांग्रेस के जितने प्रॉमिस है, हमने जो वायदा किए हैं, 7 वायदे वो पूरा करके दिखाएंगे। कर्नाटक के जैसा हम पूरा अमल में लाएंगे। 8,000 किसान ने आत्महत्या कर ली, 1,00,000 ऋण माफी नहीं की, 1,00,000 रुपए ऋण माफी करने का उन्होंने कहा था लेकिन वो नहीं किया। 8,000 किसान आत्महत्या कर लिए, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। भाइयों, किसानों के लिए जो 26,00,000 मुफ्त और फर्टिलाइजर देने का मैनिफेस्टो में वायदा किया था, वो भी नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद मैं आपसे जो एक चुप बैठो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ। भाइयों, मोदी ने भी ऐसा ही किया। क्या किया? इलेक्शन से पहले उसने बोला, अगर मैं प्रधानमंत्री बनूं
तो बाहर का काला धन लाकर मैं एक एक को 15-15 लाख दूंगा। 15 लाख रुपए मिला नहीं मिला तो प्रधानमंत्री झूठा है क्या सच बोलता है? ठीक है, एक बार झूठ बोला, दूसरी बार उसने ये कहा 2 करोड़ नौकरियां मैं युवकों को दूंगा, नौजवानों को दूंगा 2 करोड़ नौकरियां। क्या 2 करोड़ नौकरियां आपको मिले? ये भी झूठ है ना। ये नरेंद्र मोदी का दूसरा झूठ। किसान लोगों को उसने कहा कि आपकी आमदनी मैं डबल करूंगा। क्या आपकी आमदनी डबल हो गई? नहीं। तो कितना झूठ बोलते हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी मैं कंटिन्यू करता हूं, देता हूं बोले। क्या आपको सब्सिडी ज्यादा मिले? तो ये मोदी जो झूठ बोलते गए वही केसीआर कंटिन्यू करते गए। और वो कहते हैं कि केसीआर सब कुछ किया। केसीआर कहां बैठते हैं? ऑफिस में नहीं बैठते, विधानसभा में नहीं बैठते, वो बैठते हैं अपने फार्म हाउस में बैठते हैं और वहां बैठकर राज्य करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे आदमी को, ऐसे गवर्नमेंट को हम उखाड़ के निकाल के फेंकना है।